ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी सॉफ्टवेयर का क्रेडिट इसकी कंपनी ऑनर को जाता है। हम किसी भी प्रकार के इनलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते और हमारे पास हर प्रकार के लाइसेंस का वर्जन यूज़ करते हैं। मेरा नाम दशरथ सोनी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत है मेरी तरफ से। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ 10 कपल सॉन्ग प्रोजेक्ट, जिसको आप पोर्ट्रेट सॉन्ग प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, डीडी सॉन्ग बोल सकते हैं, पर्सनल सॉन्ग बोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं। और इन प्रोजेक्ट का जो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा पूरा, कि कितने पार्ट्स आपको डाउनलोड करने हैं, कितना डाटा है, कितना प्राइस है, कैसे परचेज करें। वैसे मैं पूरी डिटेल है जो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, लेकिन उसके बावजूद आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जानकारी चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक डेमो का लिंक दिया गया इन सॉन्ग प्रोजेक्ट का, डेमो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि अपने काम की चीज़ें अपने कस्टमर को पसंद आएगा, तो आप उन चीज़ों को परचेज भी कर सकते हैं। बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपको अच्छा लगे तो परचेज करिए, अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ अच्छा लगे वहाँ से परचेज कर सकते हैं, मुझे 1% भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा, पूरा डिटेल बताऊँगा कि कैसे इन प्रोजेक्ट को यूज लेना है, कैसे कपल सॉन्ग जो पोर्ट्रेट फोटो है वो कितने मिनट के होने चाहिए, वो पूरी डिटेल है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी परचेज करना है या नहीं करना है आपकी मर्जी है, हम पे कोई दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो मिक्सिंग से रिलेटेड टॉपिक्स है, ट्यूटोरियल्स है, प्रोजेक्ट है, प्लगइन्स है, सॉफ्टवेयर है, ये हम चीज़ें आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपको देने वाला हूँ वो कपल सॉन्ग प्रोजेक्ट है, जिसको पर्सनल सॉन्ग, डीडी सॉन्ग या पोर्ट्रेट सॉन्ग बोलते हैं। ये अच्छे प्रोजेक्ट सॉन्ग है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में डेमो है, आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये परचेज करना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको ₹150 10 सॉन्ग के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, वहाँ एक सॉन्ग के लिए आपको करना पड़ेगा ओनली ₹15। तो आप सोच के देखिए, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में अगर अच्छा मेहनत करने वाला बंदा हो, अच्छा जानकार हो, तो 5 से 6 घंटे लगते हैं एक प्रोजेक्ट को बनाने में, और हम आपके लिए बनाए हैं 10 प्रोजेक्ट, तो मेहनत तो बहुत लगी। अब आप सोच के देखिए कि आपसे एक सॉन्ग का मात्र ₹15 लिया जाता है। आप अच्छी दुकान पे समोसा या कचौड़ी लेने जाओ तो 20 से 25-30 रुपये लगते हैं, ₹15 में आपको बना बनाया प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपकी पार्टी खुश हो जाएगी। तो 10 सॉन्ग के लिए ₹150 है, ₹150 कोई ज़्यादा प्राइस नहीं, बहुत मिनिमम प्राइस है। आप मार्केट में देखिए, आपसे एक सॉन्ग के 100-100 रुपये, ₹150-150 रुपये लिए जाते हैं। हम आपकी जेब का ध्यान रखते हैं, हम यही मान के चलते हैं कि हमारे मजदूर लोग हैं, ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं है, तो हम उनको बहुत ही कम प्राइस में प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप ₹150 का पेमेंट हमको करना होगा, और ईमेल आईडी जिससे आप डाउनलोड करना चाहते, चाहो तो मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हो, और चाहो तो आप पीसी में भी डाउनलोड कर सकते हो। टोटल है जो आपको 17-18 पार्ट है जो डाउनलोड करना पड़ेगा। स्क्रीन के ऊपर जो पार्ट दिखा रहे होंगे, जैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है, वैसे ही आपको टोटल है जो 18 पार्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। एक हर पार्ट है जो 1 GB का है। हम ये चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि आपको डाउनलोडिंग करने में दिक्कत, अगर मैं 18 GB का एक फाइल दे देता तो डाउनलोड करने में बहुत प्रॉब्लम थी। 1 GB की 18 फाइल है, आपको 18 की 18 फाइलें डाउनलोड करना जरूरी है, एक भी फाइल पीछे नहीं छोड़ना, सारी फाइलें डाउनलोड करना है। और ध्यान रखना है, किसी भी फाइल का आपको नाम चेंज नहीं करना है, क्योंकि सारी फाइलें एक दूसरे से लिंक है। एक फाइल का भी नाम चेंज कर दिया, हो सकता है आपके डाउनलोडिंग कोई काम नहीं आए। एक पार्ट डाउनलोड की, दूसरा कीजिए, तीसरा कीजिए, ऐसा करके आप टोटल 18 पार्ट डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद सबको एक ही फोल्डर में रखना है। ये चीज लोग ध्यान नहीं देते, डाउनलोड करने के बाद में उल्टा सीधा होता है, तो हमें फ़ोन लगा के पूछते हैं कि ये काम हो नहीं रहा है। तो ऐसा अपने को नहीं करना है, मैं वीडियो को फुल वॉच कर लेना। तो जैसे ही आप सारे के सारे पार्ट डाउनलोड करो, तो पार्ट वन पे आपको है जो राइट क्लिक करना है, पार्ट वन पे राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देना है, और ओके पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ऐसे करके आपके सारे के सारे पार्ट जो ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना है, हर एक को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट वन को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, बाकी सारे पार्ट है जो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट होने के बाद सिर्फ एक ही फोल्डर बनेगा न्यू सॉन्ग करके। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके अंदर पार्ट वन है और पार्ट टू है। पार्ट वन के अंदर पार्ट 5 सॉन्ग दे रखे हैं, इसका प्रोजेक्ट पड़ा है, इसके अंदर 5 सॉन्ग है, और इसके अंदर कंसोलिडेट पड़ा, जिस फाइल का भी हमने यूज किया गया वो सारी फाइलें हमने साथ में प्रोवाइड करवा दी है, और ट्रिमिंग की जो फाइल दी है वो भी हमने साथ में प्रोवाइड करवा दी है। तो जैसा जैसा पार्ट वन है ऐसा ही पार्ट टू है,
पार्ट टू के अंदर भी 5 सॉन्ग दे रखे हैं। इसके अंदर भी कंसोलिडेट है, प्रोजेक्ट हमने अलग से बैकअप दे रखा है और बार भी एक प्रोजेक्ट दे रखा है। तो मेरा EDS से जो मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा EDS ओपन हो गया। आपको न्यू प्रोजेक्ट लेना है, ओपन प्रोजेक्ट नहीं करना है, न्यू प्रोजेक्ट लेना है। उसके बाद आपको 1920x1080p 16:9 का 2 चैनल का आपको एक प्रोजेक्ट ले लेना है और उसको ओपन कर देना है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इंपोर्ट सीक्वेंस नहीं हो पाता है। तो इंपोर्ट सीक्वेंस क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि वो 50p का प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट बने हैं वो 25p पे बने हुए हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि बिना किसी झंझट मारी के, बिना किसी भेजा मारी के मेरा सॉफ्टवेयर है जो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इम्पोर्ट सीक्वेंस पे क्लिक कर देंगे और जहाँ पे भी हमने एक्सट्रैक्ट करके रखा है उसको अपन फोल्डर में जाएंगे। ये न्यू सॉन्ग करके मैंने यहाँ बना रखा है, ये पार्ट वन है मेरा और पार्ट वन को मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। आपको इंपोर्ट बिन कराने की जरूरत नहीं है और कॉपी फाइल इन प्रोजेक्ट और कॉपी रेंडर फाइल ये हटा के रखो, कोई मतलब नहीं है, इन चीज़ों का अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मेरे बिन के अंदर या मेरी फाइल के अंदर ये फाइल है जो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि इसमें जाली जाली सा दिखा रहा है, क्योंकि इसमें फुटेज है जो रिप्लेस करना बाकी है। बाकी इस कपल सॉन्ग में कुछ होता नहीं है, अपन को फुटेज रिप्लेस करना ही रहता है। तो फुटेज रिप्लेस करने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे जहाँ मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है वहाँ पे आप फोकस करिए तो यहाँ पे 10 फाइलें आपको मिसिंग दिखा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Boy 1, Boy 2, Boy 4, Couple 1, Couple 2 ऐसे करके आपको अलग अलग फाइलों में अलग अलग नाम होगा। तो आपको Boy 1, Boy 2 ऐसे करके 5 फाइलें हैं जो बॉय की बना लेनी है, 5 फाइलें हैं जो कपल की बना लेनी है और 5 फाइलें गर्ल्स की बना लेनी है। उनको नाम जो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है वैसा के सेम नाम आपको डालना है। हालांकि इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना रखा हूँ और वीडियो का लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बॉय की कपल की फोटो कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में आपको है जो वीडियो बनाने के लिए, इस कपल डीडी सॉन्ग बनाने के लिए आपको 1 मिनट और 10 सेकंड की एक एक अलग अलग फुटेज बनानी होगी, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने ये फुटेज जो ऑलरेडी बना रखी है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। उसके बाद जहाँ मैंने फाइलें बना रखी है मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। ये मैंने फुटेज बना रखी है, या मैं फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसमें एक फुटेज है जो सेलेक्ट नहीं हुई है, इसको मैं जो मैनुअली सेलेक्ट करा दूंगा। ये मेरी फाइल है सारी है जो रेडी हो चुकी है, इसमें एक फाइल मिसिंग अभी भी दिखा रही होगी। इस फाइल को मैं मैनुअली मिक्स करके दिखाऊंगा आपको, मैनुअली ये जो लिंक करवा दूंगा। कुछ फाइलें मिसिंग बता रही है क्योंकि टाइमलाइन पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं इसको दोबारा लिंक करा देता हूँ एक बार। इन फाइल को सारे को सेलेक्ट कर दिया मैंने, सेलेक्ट फोल्डर कर दिया और दूसरा फोल्डर में बना रखी है, दूसरे फोल्डर में इसको पकड़ा देता हूँ। एक फाइल अभी भी मिसिंग है, इसको मैं मैनुअली मैच करा दूंगा। ये फोल्डर मैंने पकड़ा दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरी सारी फाइलें लिंक हो गई है। ये 2 फुटेज है मेरी लिंक नहीं हो पाई है क्योंकि इसको अपने को PNG की जरूरत पड़ती है। PNG कहां पे जरूरत पड़ती है मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे ही आप अपनी कपल सॉन्ग है जिसको मैच करा दोगे तो आप देख पा रहे होंगे आपका कपल सॉन्ग एकदम रेडी हो गया है बिना किसी झंझट मारी के। ऐसे के ऐसे अगर आपको सब में अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने ये प्रोसेस कर दिया तो ये सारे सॉन्ग आपके 5 सॉन्ग है जो एक साथ तैयार हो जाएंगे बिना किसी भेजा मारी के, बिना किसी झंझट मारी के। ये देखिए ये 5 सॉन्ग है जो आपके परमानेंटली अच्छे से तैयार हो गए हैं। ऐसे के ऐसे प्रोसेस है जो आपको दूसरे प्रोजेक्ट में करना होगा
और ये आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो ये शानदार सॉन्ग है जो कैसे यूज करना मैंने आपको बता दिया। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर एक्सपोर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो जैसे कि एक बार आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे ये है जो यहाँ हमने लगा रखी है पीएनजी फाइल। तो आपको यहाँ से जो मिसिंग फाइल दिखा रही है वो आपको पीएनजी फाइल है जो यहाँ पे रिप्लेस करनी होगी। वो रिप्लेस करने का तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन इस चक्कर में आपको बार बार नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो मेरा लंबा खींच जाता है। उसके बाद आपके फोटोज सारे रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस होने का आपको पता नहीं है प्रॉपर तरीका, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है और लिंक करा सकते हैं आप। एकदम फुल वीडियो देखोगे तो आपको कपल लोगों की फोटो बनाना और उसको लिंक कराने के झंझट हमारी खत्म हो जाएगी। इन और आउट हमने लगा रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा बैच एक्सपोर्ट में आ जाना है, प्लस के निशान पे क्लिक कर देना है, आपको जिस फॉर्मेट में निकालना है वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट बिटवीन इन और आउट आपको लगा लेना है, एच टू बैच एक्सपोर्ट कर लेना है और आपको नाम डाल लेना है इसको, सॉन्ग जितने भी सॉन्ग बन रहे उसको सीरियल वाइज नाम दे देंगे। मैं डाल दूंगा सॉन्ग उसको 1। उसके बाद में यहाँ एवरेज दिखा रहा है, एवरेज आपको कम ज़्यादा करना है, अगर साइज ज़्यादा रखना है तो 25 कर दीजिए, कम करना है तो 7-8 या 9-10 पर रखिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपको एक्सपोर्ट होने से पहले इसकी साइज दिखा देगा। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना और आपका ये एक्सपोर्टिंग चालू हो जाएगा। यहाँ पे दो फाइलें मिसिंग बता रही है तो आपको कन्फर्म करेगा। अगर आप कन्फर्म, अगर आपकी इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई मिसिंग नहीं है तो कोई कन्फर्मेशन नहीं आएगा और सीधा एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।